अभी मैं उसी ब्रिज पे हूँ जो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे बन के तैयार होने वाला है, आप मेरे पीछे देख सकते हो। इन्होंने नया डेवलपमेंट क्या किया है इसमें, ये जो फुट ब्रिज आप देख रहे हो इसको डायरेक्ट स्टेशन के जस्ट सामने होने वाला है। फेस वॉश करने के बाद मेरा चेहरा चमक गया है और प्लेटफॉर्म नंबर तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो मैं आपका दोस्त सौरभ गुप्ता आज आपके लेके आया हूँ एक और नया डेवलपमेंट, क्योंकि मैं आया हूँ गुजरात की सबसे बड़ी सिटी अहमदाबाद में, जहाँ पे आपको पता होगा कुछ ही समय बाद दौड़ने वाली है बुलेट ट्रेन, इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन जो कि अहमदाबाद से मुंबई के लिए जाने वाली है और जो 6 से 7 घंटे का सफ़र मात्र 3 घंटे में पूरा करने वाली है। तो उसी प्रोजेक्ट के रिलेटेड मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ और यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ इसका डेवलपमेंट का काम कहाँ तक पहुँचा है और कालूपुर रेलवे स्टेशन का काम कहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि यहाँ पे भी डेवलपमेंट का काम चल रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं अहमदाबाद रेलवे स्टेशन, बुलेट ट्रेन रेलवे स्टेशन जो होने वाला है फ्यूचर में, उसका डेवलपमेंट फेज कहाँ तक पहुँचा है, कितना टाइम लगेगा उसमें। देख रहे हो यह कालूपुर मेट्रो स्टेशन जो कि बुलेट ट्रेन स्टेशन के जस्ट सामने होने वाला है। कालूपुर मेट्रो स्टेशन की लाइन भी अभी जस्ट चालू हुई है 2 महीने पहले यहाँ वाली लाइन अभी चालू नहीं थी, एक ही लाइन चल रही थी। तो यहाँ से आप सीधा जो है आपको गांधीनगर तक और यहाँ से थलतेज तक और आपको इनकम टैक्स तक सारी मेट्रो लाइन यहाँ पे कनेक्ट हो गई है, तो वो आपको मिल जाएगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी आपको यहाँ से जाने में ईजी रहेगा और सामने भवन बनाया है तो कालूपुर में। और ये जो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हो, ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हो, ये बनने वाला है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट का स्टेशन, जहाँ पे 2 ट्रैक होने वाले हैं, 2 प्लेटफॉर्म होने वाले हैं और ये 11वां स्टेशन होगा अहमदाबाद का। इससे पहले अहमदाबाद में ही 2 स्टेशन होने वाले हैं, साबरमती और आनंद नडियाड। तो ये साबरमती से चालू होगी और अहमदाबाद पे जंक्शन बनेगा पूरा हब। तो काम जो है अभी जोरों से चल रहा है और इसका जो काम है वो 2026 तक होकर तैयार होना है जब तक। तो अभी देखिए पूरा पिलर्स वगैरह, फर्स्ट फ्लोर पूरा तैयार हो गया, सेकंड फ्लोर का काम चल रहा है यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो। और ये देखिए अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट, ये पूरा बैरियर लगा है और ये है कालूपुर मेट्रो उसके जस्ट सामने। तो आप स्टेशन से उतरिए, रेलवे स्टेशन भी ये ऐसा है नहीं है, ये प्लेटफॉर्म नंबर 9 से लगा हुआ है और आप स्टेशन से उतरिए, मैं बुलेट ट्रेन से उतरिए, सीधा मेट्रो में बैठिए, सीधा अहमदाबाद सिटी घूमिए और आगे ही बस स्टैंड बनाया हुआ है तो आप बस स्टैंड भी घूम सकते हो। तो ये है और भी मैं अंदर लेके चलता हूँ आपको और अपडेट देता हूँ। अहमदाबाद स्टेशन की भी कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या नया हो रहा है यहाँ पे और क्या होने वाला है। प्रोजेक्ट को कौन सी कंपनी कर रही है आप पढ़ सकते हो, क्लाइंट नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इकोन इंटरनेशनल लिमिटेड ने जो है इसको बनाया है। ये काम अभी यहाँ तक पहुँचा हुआ है और एक नीचे के पूरे ब्लॉक जो है बन गए, ऊपर की बिल्डिंग बन गई, ढांचा पूरा तैयार है और अंदर की जो फैसिलिटीज़ है वो वाला काम रह गया। और उस तरफ आप जो देख रहे हो सामने प्लेटफॉर्म नंबर 9 है जहाँ पे ट्रेन रुकती हैं अभी भी, और ये डायरेक्ट कनेक्ट किया है कालूपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 से। और ये है मेट्रो वाला लाइन यहाँ पे, ये जो सामने आप देख रहे हो यहाँ से इसका चढ़ने का स्टेयर से स्टेशन का। सरसपुर वाली लाइन पर हूँ मैं अभी, सरसपुर वाली एग्जिट पर हूँ, एक है उसकी कालूपुर एग्जिट, दूसरी है सरसपुर एग्जिट। तो अभी हूँ मैं सरसपुर एग्जिट पर, सिटी के बाहर वाली एग्जिट जो है। प्लेटफॉर्म नंबर 9 से ऊपर चलने का रास्ता जहां हम चलते हैं और आपको पूरा स्टेशन दिखाते हैं। तो ये देखिए काम, ये देखिए फर्स्ट फ्लोर, एक ग्राउंड फ्लोर रहने वाला है और यहां पूरा काम चल रहा है, हम वहां पे थे अभी। और ये सामने आप देख रहे हो, देखेंगे रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 9 है और ये काम पूरा वर्क इन प्रोग्रेस है। और ये प्लेटफॉर्म नंबर 9 है, इस तरफ भी आप देखिए ये भी ब्रिज बन रहा है
तो दोनों साइड अभी मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये देखिए, ये भी पूरा काम चल रहा है अभी यहाँ। तो अभी इसमें 2 साल लग जाएंगे लॉन्च होने में पूरा। तब तक आप घूमें अहमदाबाद के चीज़ें हैं जहाँ पे आप विजिट कर सकते हो। और अहमदाबाद अभी पहले 12 प्लेटफॉर्म थे, इसमें 3 काट के बुलेट ट्रेन बना दिए गए। अभी टोटल 9 प्लेटफॉर्म है जो ऑपरेट कर रहे हैं अहमदाबाद पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था प्लेटफॉर्म नंबर 9 से ये ऑपरेट हो रहा है। तो ये देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 9 और ये ट्रेन खड़ी हुई है और ये पूरा बिल्डिंग बन के तैयार हो गया है। स्टेशन का बस फिनिश होना बाकी है यहाँ पे और ये ऊपर से निकल जाएगा। ये है कालूपुर रेलवे स्टेशन। अहमदाबाद जंक्शन के 2 एंट्री पॉइंट हैं, पीछे एक है, एक इस साइड में है। तो एक जाता है सिटी की ओर, इसको बोलते हैं कालूपुर, और दूसरा जाते हैं सरसपुर की ओर जो सिटी के बाहर, जो आपको बैक साइड में जाना है नरोड़ा साइड के लिए वो वाला बेस्ट रहता है। और अगर आपको सिटी में जाना है तो आपके लिए मेन एंट्रेंस जो है कालूपुर रहेगी। फेस वॉश करने के बाद मेरा चेहरा चमक गया है और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अभी मैं हूँ अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के। और यहाँ से मैं आपको दिखाने वाला हूँ पूरा व्यू इस स्टेशन का, न्यू डेवलपमेंट्स क्या क्या हो रहे हैं, कहाँ तक क्या पहुँचा है, नया टर्मिनल बन रहा है यहाँ पे, बुलेट ट्रेन का स्टेशन बन रहा है वो भी मैं आपको दिखाऊँगा, और कब तक इस चीज़ का जो है उद्घाटन होगा, कब तक पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का ये टूर मेरी तरफ से आपके लिए। सब्सक्राइब कर लो भाई, नहीं किया है तो, ऐसे डेवलपमेंट हो रहे हैं भारत में, कम से कम सब्सक्राइब ही कर लो, आपको देखने को मिल जाएंगे घर बैठे बैठे। आपको जाना नहीं पड़ेगा, ट्रैवल मैं करूँगा, आप बताइए मुझे कहाँ जाऊँ मैं वो लेके आऊँगा आपके लिए। तो सब्सक्राइब करो। कालूपुर रेलवे स्टेशन और ये एक्सीलेटर है, इसको पहले बैंक हम लोग बोलते थे, बैंक के पास वाला एक्सीलेटर, ये बैंक थी सारी। और यहाँ पे अभी इन्होंने नया डेवलपमेंट क्या किया है, इसमें ये जो फुट ब्रिज आप देख रहे हो इसको डायरेक्ट जोड़ दिया गया है, तो आप वहाँ से सीधा इसमें चढ़ोगे और सीधा आप जो है बाहर निकल जाओगे। ये भी पूरा बन रहा है जैसा कि आप देख रहे हो, तो वो जो है आपको ये देखिए पूरा ओवरब्रिज फ्लाई ओवर इन्होंने बना दिया है। तो आप डायरेक्ट जो है कालूपुर रेलवे स्टेशन जो है वहाँ से बैठो, निकलोगे सीधा बाहर बस स्टैंड पे। और ये जो आप रास्ता का यहाँ पे कट देख रहे हो ना, ये BRTS बस जो है इनकी लोकल चलती है अहमदाबाद की, AC बसेस लोकल ट्रांसपोर्ट, वो ये वाला कट है जहाँ से आप BRTS पे जाओगे। तो BRTS के लिए सीधा इन्होंने डायरेक्ट एंट्रेंस दे दिया है। और ये देखिए ओवरब्रिज का जो काम चल रहा है, ये काम अभी नीचे का ढांचा पूरा तैयार हो गया है, मुश्किल से ये 15-20 दिन में तैयार हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने पूरा जो है ये आयरन वर्क किया है, सीधा पिलर लाके खड़ा किए हैं और ऊपर जाके रोड बना दिया। तो आपको जो है नीचे मिल जाएगा एंट्रेंस और एग्जिट, और बाहर से आप सीधा जो है बाहर के बाहर निकल, तो ट्रैफिक का जो जंजाल था वो जो है यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। और ये देखिए पूरा यहाँ पर ये जो ब्रिज मैंने आपको बताया था, ये ब्रिज आपको सीधा बाहर ले जाएगा कालूपुर रेलवे स्टेशन से। दोस्तों अभी ये ढांचा बन के तैयार है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा अभी ऑपरेट होने में। और अभी हम आपको दिखाते हैं पूरा स्टेशन का व्यू, जहाँ पे क्या क्या नया, ये नया अभी जस्ट ऑपरेट होना स्टार्ट हुआ है, इससे पहले यहाँ पे कुछ था नहीं, जस्ट डायरेक्ट लोग थे यहाँ पे, पूरा ऑटो स्टैंड था यहाँ पे, सारे ऑटो टैक्सी खड़े रहते थे। बट अभी जो है ये पूरा हटा के तोड़ फाड़ के इसके ऊपर ब्रिज बना दिया गया है, और अब यहाँ से जो है आप डायरेक्ट अप एंड डाउन करके सीधा आप जा सकते हो, और पैसेंजर्स जो हैं यहाँ से सीधा बाहर निकल सकते हैं। तो वो ट्रैफिक कंट्रोल जो था वो चीज़ यहाँ से हो जाएगी। तो ये जो ब्रिज मैं आपको बता रहा था वो ये बन के तैयार हो रहा है, और मैं अभी आपको उसके ऊपर लेके जा रहा हूँ, वहाँ से दिखाता हूँ कैसे दिखने वाला है अहमदाबाद का रेलवे स्टेशन। यहाँ सीधा आप गाड़ियाँ आ जा सकती हैं और ये पूरा जो है ट्रैफिक कंट्रोल हो सकता है। और पूरा इन्होंने एक प्लेटफॉर्म सा यहाँ पे बना दिया है, देखिए आप कितना बड़ा जगह डाल दिया, और डम्बर का काम चालू है। देखिए पहले ये जो है रोड बना हुआ है लोहे का, उसके बाद इसके ऊपर ये डम्बर की सीट जो है बिछाई जा रही है। देखिए आप ये डम्बर की सीट आप जो देख रहे हो ये है लोहे का,
उसके ऊपर ये सीट बिछाई जा रही है डम्बर की गिट्टी मिक्स करके, तो ये रोड जो है बन के तैयार होगा और यहाँ पे जो है डायरेक्टली ऑपरेट होगा। ये है फुट ब्रिज जो मैंने आपको बताया था, वो सीधा यहाँ पे आके कनेक्ट हो रहा है। और ये अहमदाबाद का कालूपुर एरिया और सामने है तिरंगा। तो अभी मैं उसी ब्रिज पे हूँ जो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे बन के तैयार होने वाला है। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये पीछे है रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1। और यहाँ पे ये जो फुट ब्रिज बन के तैयार होने वाला है, ये पूरा ब्रिज है और जहाँ पे ऑलमोस्ट पूरा काम हो चुका है। लोहे वाला जो काम था वो पूरा डन हो गया है और अभी ओनली यहाँ पे रह गया है डम्बर का काम होना, इसके ऊपर डम्बर बिछा के उसके बाद इस ब्रिज का इनॉग्रेशन होगा और यहाँ से वाहन जो है आने जाने स्टार्ट हो जाएंगे और जो ट्रैफिक कंट्रोल है अहमदाबाद जंक्शन का वो हो जाएगा। तो आई होप बहुत जल्दी ये चालू होने वाला है। पीछे आप मेरे देखते हो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन और ये है BRTS का स्टेशन जहाँ से आपको BRTS की बस मिल जाएगी जिस सामने ये यहाँ पे। और यहाँ से आपको ऑटो कहीं पर भी जाना है, गीता मंदिर या इंदौर सिटी में कहीं पर भी जाना, वो लोकल ऑटोज भी आपको मिल जाएंगी। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप गीता मंदिर जाएँ, वहाँ से आपको बसेस मिल जाएंगी। यहाँ पर BRTS भी है जो आपको 10 से 15 रुपए में आपको सिटी में कहीं पर भी छोड़ सकती है, तो उस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें अगर अहमदाबाद आप आ रहे हो। तो दोस्तों, इससे पहले इस स्टेशन पे इतनी सारी एमिनिटीज, मॉडर्न जो फैसिलिटीज हम लोग को चाहिए आज के जमाने में वो नहीं थी। तो पूरा जो आप बाहर का इंटीरियर देख रहे हो, जैसे ही मैं आपको दिखा रहा हूँ, पूरा इसको चेंज कर दिया गया है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। और अगर आप रात का इसका व्यू देखोगे तो आपको बहुत ही सुंदर दिखने वाला है। और अभी थोड़ा काम चल रहा है इसलिए आपको ये थोड़ा कंजेस्टेड लगेगा, यहाँ पे ट्रैफिक रहेगा, बिकॉज ऑफ पूरा सेकेंड जो टेयर है यहाँ पे वो पूरा खुदा हुआ है, इसलिए वहां पे अभी काम चल रहा है। बट ओवरऑल अगर मैं देखूं, सामने देखिए एक जगह लॉन्च इन्होंने बना दिए है और बहुत ही सुंदर इस स्टेशन को बनाया है। जैसे कि आपने देखा, अभी काम पूरा होने के बाद देखिए तिरंगा भी हमारा लहरा रहा है यहाँ पे। जैसे ही काम इसका पूरा होगा, बहुत ही अच्छा स्टेशन बनने वाला है और एक गुजरात का सबसे बड़ा हब है जहां से आपको ऑल ओवर इंडिया के लिए मोस्टली ट्रेन्स मिल जाएंगी और बहुत ही सुंदर सारी सुविधाओं के साथ ये आपको सर्व करेगा। तो एक बार आप यहां पे जरूर विजिट करें और अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। तो ये जो आप देख रहे हो जहां से एग्जिट गेट है वहां से इस गेट का एंट्री है। इस स्टेशन का मैं बता रहा हूं आपको, सामने एक रेलवे का इंजन रखा हुआ है जो पुराने जमाने का जो रेलवे इंजन था, जस्ट डायरेक्ट रखा हुआ है सामने। तो ये एग्जिट गेट की तरफ आप जाओगे, जैसे सामने आप देख रहे हो इस तरफ आपको ये व्यू मिलेगा। और ये बाहर का पूरा इसका इंटीरियर का काम हो गया है, बस जो ओवरफुट ब्रिज और जो मेट्रो का है वो काम अभी चल रहा है यहाँ पे। एंड यहाँ पे अभी इसके बाद आप देखोगे जो पहले सब लोग यहीं पे उतरते थे, जो आप सामने एक्सीलेटर देख रहे हो, ये पूरा ऑटो पे आप किसी को भी बताओगे एटीएम के पास अहमदाबाद स्टेशन पे, तो आपको डायरेक्ट यहां से वो पिक कर लेगा। एंड गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको पसंद आया होगा, ऐसे ही डब्ल्यूएमएस के वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।